अपना मूवमेंट स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। पैरों को सीधा कर लीजिए, हो सकता है पैर हमारे सो गए हों इतने देर मेडिटेशन करके। सबको मेरी आवाज ठीक सुनाई दे रही है? गुड, ओके। और एक मैं म्यूजिक भी लगाई हूँ, म्यूजिक बहुत लाउड हो तो बता दीजिएगा। धीरे धीरे स्टार्ट होगा। पैरों को सीधा करके एंकल को राउंड एंड राउंड सांसों के साथ करिए। कल्याणी जी धीरे करिए, धीरे सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए। सूक्ष्म व्यायाम बहुत धीरे करना होता है। ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाइए, एंटी क्लॉकवाइज। गुड, स्ट्रेच करिए एंकल को पूरी तरह, स्ट्रेच करिए टोज को, बेंड करिए टोज को, बिल्कुल बेंड करिए और फील करिए स्ट्रेच एंकल के ऊपर, ओके। एंड देन टुवर्ड्स योर फेस, थोड़ा सीधा बैठ जाइए ताकि काफ मसल से अच्छा प्रेशर आए। देन अगेन अवे फ्रॉम द बॉडी, ऐसे दूर लेके जाइए एंड देन टुवर्ड्स द बॉडी। सांस लीजिए गहरी, जब दूर जाता है सांस छोड़िए, एक बार और। गुड, पैर को मोड़ लीजिए ऐसे, ओके। पीठ बिल्कुल सीधी, ये पूरा मंथ हम लोअर एक्सट्रीमिटी पर ध्यान देंगे, ओके। क्योंकि बैठे बैठे सबका ये वीक हो गया है, घुटना, हिप्स, एवरीथिंग। बहुत लोग घर से भी काम कर रहे हैं, इसको स्ट्रेच करिए एंड देन पास लेके आइए। सांस लेके बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, एक बार और। सांस लेके छोड़ना है, गुड। द अदर साइड, पास ले लीजिए पहले, पीठ बिल्कुल सीधी, सांस लेते हुए पैर एक्सटेंड करना है ऊपर, बिल्कुल स्लो मूवमेंट। कल्याणी जी स्लो मूवमेंट, हाँ, वेरी गुड। ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, breathe in and breathe out, one more time, breathe in and breathe out। हाथों को यहाँ रख लेंगे, थोड़ा स्पाइन ऐसे टिल्ट करेंगे, ओके। एक पैर ऊपर उठाएंगे, टोज अपने तरफ पॉइंट करेगा, होल्ड, नी बिल्कुल स्ट्रेट, होल्ड जब तक यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन नहीं आता। कीप ब्रीदिंग, सांस लंबी गहरी लेते रहिए and down, good, take a deep breath, सांस छोड़ते हुए पैर ऊपर, दूसरा, और hold, toes pointing towards your face, feel करिए stretch अपने hamstring muscle में, और अपने quadriceps, ये जो muscle है ना, उसको burn करता हुआ feel करिए, सांस लेते रहिए लंबी और गहरी, keep holding, few more breaths, एक लंबी गहरी सांस लीजिए और छोड़िए, good, एक बार और repeat करेंगे, right side up, hold and breathe, थोड़ा और ऊपर लेके जा सकते हैं तो लेके जा सकते हैं, ठीक है, but try करिए legs ऐसे ऐसे हिले नहीं, एक point पे steady रहे। Remember हमको आसन सिद्धि करनी है, very good वंदना, down, Rishabh very good, दूसरा पैर अभी ऊपर, hold and breathe, very good नमिता, नमन जी बहुत अच्छा, गुड एंड डाउन। अभी हम आज लेट के स्टार्ट करेंगे अपना, सब लोग लेट जाइए, राइट लेग ऊपर जितना जाता है, होल्ड, मिड वे में होल्ड करना है, नी को टाइट रखना है और सांस पे ध्यान, होल्ड, टमी को टक इन करके रखिए बिल्कुल भी, और फिर धीरे धीरे नीचे, द अदर साइड, ब्रीद इन एंड एज यू ब्रीद आउट ऊपर लेके जाइए और होल्ड एंड देन नॉर्मल ब्रीदिंग। जिनका घुटना कमजोर है वो उसको होल्ड भी कर सकते हैं ऐसे, अगर हाथ रीच होता है तो, ठीक है, तो मॉडिफिकेशन है, कीप होल्डिंग, कीप होल्डिंग, वन मोर डीप ब्रेथ इन, एक और लंबी गहरी सांस लेके ऐसे नीचे छोड़िए, गुड, एक बार और अप, होल्ड। ये बहुत अच्छा है लोगों के लिए जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, हिप्स की प्रॉब्लम है, आर्थराइटिस है, एंड देन डाउन द अदर साइड, अप,
गुड, अब ये पैर उठाएंगे, इसको राउंड एंड राउंड लेके जाएंगे, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट, जैसे सर्कल बना रहे हैं, ठीक है? टमी टक्ड इन रहेगा, हाँ, मेक श्योर यहाँ पे गैप नहीं आए पीछे की तरफ, अगर इधर बहुत गैप आ रहा है या बैक पेन हो रहा है तो ये पैर मोड़ लीजिए, ठीक है? वो मॉडिफिकेशन है जिनको बैक पेन है, ओके, ऑपोजिट डायरेक्शन, कीप ब्रीदिंग एंड कीप डूइंग, एक और लंबी गहरी सांस लीजिए और इसको नीचे रखिए, दूसरे साइड करेंगे, पहले एक दिशा में मूव करना है फिर दूसरी दिशा में, ब्रीदिंग के साथ लेग के मूवमेंट को कोऑर्डिनेट करिए, जब पैर ऊपर जाता है तो ब्रीदिंग आउट होनी चाहिए, जब पैर नीचे जाता है तो ब्रेथ इन, ऑपोजिट डायरेक्शन, जो थक गए हैं वो रेस्ट ले सकते हैं, जिनका बहुत दर्द हो रहा है या बर्न हो रहा है, गुड, नीचे रख दीजिए, वेरी गुड, अभी एक पैर मोड़ेंगे और इसको ऐसे सिंगल साइकिलिंग करेंगे, ओके? पहले पैर से पास में लेके आइए एंड देन ऐसे जाके ऊपर जाना है, ठीक है? सारे पाद चक्रासन कर रहे हैं हम आज, हमारे पैरों को बहुत स्ट्रांग बनाना है, ये पैर दिन भर भागते रहते हैं जीवन का बोझ उठाने के लिए, है कि नहीं? ऑपोजिट डायरेक्शन, एक और लंबी गहरी सांस एंड देन डाउन, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ डीप ब्रेथ आउट, द अदर साइड, ओके, पहले इनवर्ड साइकिलिंग करेंगे स्लो, पास लेके आना है फिर सांस लेते हुए बाहर, वेरी गुड, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है? अभी पास लेके फिर ऊपर से दूर लेके जाएंगे, ऐसा रिवर्स, वो मसल्स को बर्न होने दीजिए, जब तक बर्न नहीं होगा वो मसल टोन बढ़ेगा नहीं, ओके, नीचे लेके आइए, दोनों घुटना मोड़ लीजिए, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड अ डीप ब्रेथ आउट, ऐसे हील्स को पास में लेके आ जाइए, ठीक है? दोनों हाथों पे प्रेशर डाल के कमर को उठाना है ऊपर, अपना हिप्स रेज करिए ऊपर, वेरी गुड, होल्ड, सांस लीजिए और छोड़िए, एंड देन नीचे, ओके, इस बार भी उठाएंगे एक बार और, बट इस बार क्या करना है, राइट लेग ऐसा सीधा कर लीजिए, यू कैन गिव अ सपोर्ट टू योर बटक एरिया, ऐसा कर सकते हैं, अदरवाइज हाथ नीचे रख सकते हैं, एंड देन डाउन, एवरीथिंग डाउन, गुड, अगेन हिप्स ऊपर उठाएंगे, ऐसा कमर ऊपर उठाएंगे और इस बार लेफ्ट लेग ऊपर करेंगे, ठीक है? अप स्ट्रेट, नो मूवमेंट, स्टेडी पोस्चर, ओके, आसन सिद्धि, वेरी गुड, सब लोग एक स्माइल लेके एक डीप ब्रीदिंग करिए, एक पैर को मोड़ के चेस्ट के पास लेके आइए, हीला छोड़िए, गुड, द अदर साइड, पास लेके आइए एंड हीला छोड़ दीजिए, अभी हम साइड करवट हो जाएंगे, सब लोग साइड करवट हो जाइए, ठीक है? लिफ्ट अपर लेग अप, ऊपर का लेग ऐसे साइड में एंड सर्कल में घुमाना है, ये साइड की मसल्स बहुत कम एक्सरसाइज होती है, तो आज हम पैरों के चारों तरफ के मसल्स को एक्सरसाइज करेंगे, ऑपोजिट दिशा में रिवर्स योर रोटेशन, स्लो मूवमेंट, मैं देख रही हूँ आप लोग धीरे धीरे करके फास्ट करते जा रहे हैं, सब धीरे धीरे करो प्लीज, ओके, रिलैक्स, एक डीप ब्रेथ, अभी
लेग को ऐसे उठाएंगे वापस, अभी साइड फ्रंट एंड बैक लेके जाएंगे। इसमें आपका स्पाइन ज्यादा मूव नहीं होगा, ओके? ऐसा बैलेंस करिए अपने आप को कि सिर्फ हिप से मूवमेंट हो। गुड, रिलैक्स, टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड आउट। अभी हम सेम चीज ऑपोजिट साइड करेंगे। लेट मी एडमिट समबडी, ओके ओके, अपर बॉडी बिल्कुल रिलैक्स, ठीक है? ऊपर का पैर ऐसे उठेगा एंड देन राउंड सर्कल साइडवेज, स्लो मूवमेंट, बी वेरी माइंडफुल ऑफ योर मूवमेंट, ओके? ऑपोजिट दिशा, रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ योर मूवमेंट। गुड, नीचे रखिए, एक गहरी लंबी सांस लीजिए। अभी फ्रंट एंड बैक, पीछे जितना लेके जा सकते हैं विदाउट डिस्प्लेसिंग योर बैलेंस, ओके? बैलेंस नहीं जाना चाहिए बॉडी का, स्पाइन का, स्पाइन वही है स्थित, ओके? बिल्कुल, स्पाइन यहाँ स्थित है, मन वहां स्थित है, कहाँ आपको पता है? ओके, वापस सीधा आ जाइए, दोनों पैरों को ऐसे मोड़ लीजिए और इसको रॉकिंग मूवमेंट करना है। एंड देन कम टू अ सिटिंग पोजिशन। फ्रॉम सिटिंग वी गो इनटू वज्रासन। टेक अ डीप ब्रेथ इन and just stay here for few moments. सब लोग वज्रासन में बैठ जाइए, next 30 seconds, बिल्कुल सांसों पे ध्यान। अगर जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, you can use a cushion to sit, ऐसा, ठीक है? ऐसे रख लीजिए cushion, थोड़ा कम असर होता है। Take one deep breath in, and a deep breath out. यहां से we'll go into Marjriyasan. इधर आ जाइए, okay? सब लोग cat pose में आ जाइए. Good. Right leg back straight. Hold that position. कमी तक दिन रहेगा. Hold that position everybody. इस position में ही रखिए क्योंकि हम अपने buttock muscles को exercise करेंगे आज. पैर मोड़ लीजिए ऐसा. Go on your forearm, okay? Go to this position and further elevate your leg. पैर को थोड़ा और उठाना है। जिनको घुटने की प्रॉब्लम है, घुटने के नीचे नी पैड या कुशन रख सकते हैं। And keep holding, hold, hold. Buttock muscles में और calf muscles में burning sensation आना चाहिए। Take a deep breath in and a deep breath out and release it. वापस ऊपर आ जाइए। दूसरे साइड, पहले पैर सीधा कर लीजिए, लेफ्ट साइड पूरा स्ट्रेट, ओके? बिल्कुल पैरेलल टू द फ्लोर, मेक श्योर ये नीचे नहीं है, शुड बी पैरेलल टू द फ्लोर, ओके? हमारे बटक मसल सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एक्सटेंसर ऑफ द बॉडी है, विच मीन्स इट हेल्प्स अस गेट अप फ्रॉम द फ्लोर और चेयर। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हम बैठे रहते हैं ना, तो सबसे ज्यादा लूज करता है टोन। बेंड अगेन, नी 90 डिग्री प्लीज। आपको पता नहीं चलेगा, आपको बस देख के करना है अपना, नी 90 डिग्री है कि नहीं, ठीक है? फील करके। एंड देन गो ऑन योर फोर आर्म, इसको फर्दर एक्सटेंड करिए, थोड़ा रूम मिलेगा एक्सटेंड करने का। होल्ड, मे बी आपका लेग शेक कर रहा है, विच इज नॉर्मल, ओके? वो नॉर्मल है, डोंट वरी अबाउट इट। टेक वन डीप ब्रेथ इन आउट एंड जेंटली रिलीज, सीधा हो जाइए वापस। वेरी गुड, बहुत अच्छा। Everybody is surviving so far. Smile everybody. पैसा नहीं लगता हंसने के लिए. Okay. अभी toes curling करके we'll go into our first parvatasan. और थोड़ा calf को stretch करेंगे यहाँ पे. Smile करने से ना योगा का जो है ना इफेक्ट दुगना हो जाता है कि नहीं? Double gain.
एक का दो, वेरी गुड ऋषभ, कीप गोइंग। आई एम लेटिंग समबडी इन, आई थिंक समबडी गॉट लॉक्ड आउट। ओके, फ्रॉम अ पर्वतासन विल आई द वॉक टू द फ्रंट और जंप टू द फ्रंट। बच्चे जो है अपने आपको यंग एंड फिट तरह से वो जंप कर सकते हैं, जो नहीं वो धीरे धीरे चल के आ सकते हैं। माई गॉड, नमन शर्मा जी, वेरी गुड, यू ट्राइड जंपिंग, ऑसम। तो हमारा इस मंथ का थीम क्या है? कृष्णा। हाँ, कृष्णा ने अपने ऊपर सारा भार उठाया था, राइट, गोवर्धन पर्वत का, पूरे महाभारत युद्ध का। तो हम अपने पैरों पे जो उठा रहे हैं, हमको पैरों को भी सशक्त करना है ताकि हम जीवन का भार उठा सकें। ठीक है, लेट्स डू सम बैलेंस पोजेस। विल स्टार्ट विद दिस, जस्ट स्टैंडिंग लाइक दिस, हाथ नमस्कार मुद्रा में। एंड इस पोजिशन में ट्राई टू क्लोज योर आईज फॉर फ्यू सेकेंड्स एंड ओपन इट। यू कैन जस्ट ओपन एंड क्लोज फॉर 1 सेकेंड और 2 सेकेंड्स। ठीक है, देखें कौन कैसा कर रहा है। वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरे साइड आंख ओपन कर लीजिए। अभी दूसरे साइड, सी इफ यू कैन क्लोज योर आईज। आंख बंद कर सकते हैं कि नहीं, देखिए। गुड, वेरी गुड, वापस, गुड। अभी हम गरुड़ासन करेंगे। ये पैर उठा के इसको चाहे तो आप ऐसे अराउंड कर सकते हैं या वैसे सेम पोजीशन में रख सकते हैं। इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू। कैन जस्ट रैप इट अराउंड, राइट हैंड लेफ्ट हैंड के ऊपर जाएगा ऐसा, एंड देन इट विल गो इन टू स्लाइटली नमस्कार बट डिफरेंट। ओके, फिर इस पोजिशन से यू हैव टू थोड़ा बेंड करना है फॉरवर्ड। ओके, जब तक हाथ ऐसे पैरेलल आता है, एंड वन पॉइंट फोकस, दृष्टि एक स्पॉट पे। ठीक है ऋषभ बेटा, किसी का सपोर्ट ले लो, है ना, किसी फर्नीचर का या कुछ वॉल का। ओके, एंड देन जेंटली गेट अप एंड रिलैक्स, जस्ट शेक ऑफ योर लेग्स, कीप ब्रीदिंग, कीप स्माइलिंग, कीप ब्रीदिंग, वेरी गुड। दूसरे साइड ऐसा, मुझे ज्यादा सीरियस लोग पसंद नहीं है। हाँ, ओके, लेफ्ट हैंड ऊपर। ज्यादा सीरियस होने से ना आदमी हॉस्पिटल चला जाता है। हंसते रहो, मस्त रहो, हाँ, और योगा करते रहो। होल्ड फॉर 3, 2, 1, जेंटली रिलीज, वेरी गुड, शेक ऑफ योर लेग। ओके, अब ये पैर ऐसे उठाना है तो साइड से ये पैर ना बॉडी से दूर रहेगा। ओके, एंड देन इट विल गो साइडवेज, बॉडी से दूर रख के, एंड देन साइडवेज, सो 90 डिग्री हिप, एंड देन ये हाथ ऐसे मुट्ठी ऐसे, सॉरी, हाथ क्लास्प कर लीजिए दोनों, एंड टेक दिस टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड। ओके, कुछ फेमिलियर पोज लग रहा है, यू रिकॉग्नाइज दिस पोज। कौन ऐसे खड़ा रहता है? ओके, ब्रीद ब्रीद, लेग्स शेक करेगा, लेट इट शेक, ओके, डोंट गिव अप, एंड रिलीज, शेक इट ऑफ, वेरी गुड। सब बहुत अच्छा कर रहे हैं जिनको मैं देख पा रही हूँ। ऑपोजिट, दूसरा लेफ्ट लेग ऊपर और साइडवेज, ऐसा जितना साइड लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे, हाथों को ऐसे कर लेंगे और ऑपोजिट साइड। वी आर ट्राइंग टू शिफ्ट आवर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो पैर एक साइड, हाथ एक साइड, और उसी में बैलेंस हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ यू हैव डन दिस बिफोर, है ना, मैंने किया है पहले। होल्ड, होल्ड स्टेडी, होल्ड स्टेडी, वेरी गुड, एंड जेंटली रिलीज, एंड शेक ऑफ योर लेग, शेक ऑफ योर लेग एवरीबॉडी। एक लास्ट बैलेंस पोज करेंगे एंड देन विल गो डाउन बैक इन सिटिंग एंड लाइंग। ओके, तो राइट लेग पे भार जाएगा हमारा। ओके, एंड देन पीछे की तरफ एक लेग ऐसा जितना जा सकता है, एंड देन दोनों हाथ सामने की तरफ, दृष्टि एक पॉइंट जमीन पर, एंड होल्ड एंड ब्रीथ। पैर जितना ऊपर कर सकते हैं करेंगे, कीप ब्रीदिंग फॉर 3, 2, and 1, गुड, शेक इट ऑफ, द अदर साइड। अभी लेफ्ट पैर पे भार जाएगा, और राइट लेग पीछे जितना लेके जा सकते हैं, पहले इस पोजीशन में बैलेंस करिए, एंड देन दोनों हाथ सामने, एंड होल्ड एंड ब्रीथ फॉर
and one. Gently release. Good. Shake it off. थोड़ा सीधा हम खड़े रहेंगे समस्थिति सिंपल ताड़ासन में एंड ब्रीदिंग पे ध्यान देंगे. गुड. आंखें खोल लीजिए. हाथ लोटस के पोज पे, पैर थोड़ा सेपरेट. ओके. हाथ यहाँ डालेंगे ऊपर एंड विल ट्राई कम इन द स्क्वाटिंग पोजिशन. ओके. ग्रेजुअली एंड होल्ड 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 एंड देन कम अप. ओके. एक बार और बेंड बेंड बेंड. देखिए आप डीप स्क्वाट जा सकते हैं कि नहीं. एंड देन अप वन मोर टाइम. इस बार हम पूरी तरह बैठ जाएंगे और हाथ सामने, हाथ सामने और टोस से बैठ जाएंगे. अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट लेग के बाहर करिए, ठीक है, और राइट हैंड को राइट लेग के बाहर इस पोजीशन में. ओके. सो बेसिकली हाथ बाहर है और टोस पे हम बैठे हुए, तो साइड से ऐसा दिखेगा. ओके. द सिटिंग इज जस्ट टोस इन कॉन्टैक्ट. ओके ओके. एंड देन फ्रॉम हियर विल टेक अ राइट लेग एंड एक्सटेंडेड फॉरवर्ड टोस पॉइंटिंग अप. देखिए आप कर सकते हैं कि नहीं. जिनको घुटने की प्रॉब्लम है नहीं करिए. ओके. एंड देन इफ यू कैन पुट योर हैंड अप हियर एंड हैंड अप हियर एंड पुट हैंड फाइनल पोजीशन दिस. सांस नहीं रोकना है. हाँ, स्माइल भी नहीं छोड़ना है. वेरी गुड साक्षी जी. आप तो गिर ही गए. कोई बात नहीं, गिरने पे हंसना है. हाँ, नॉर्मल स्माइल करना है, गिरने पे हंसना है. दूसरे साइड. हाँ, यू माइट फाइंड वन साइड इज बेटर देन द अदर. ओके. हो सकता है एक साइड बेटर हो, तो मतलब क्या है, होप है. हाँ, एक साइड अच्छा है. प्रीति भी गिर गई, इसलिए मुझे इतना मजा आता है. हाँ, बहुत लाफ्टर मटीरियल मिलता है हम लोग सबको. वेरी गुड वेरी गुड. वापस. ऑलराइट, सब लोग वापस आ जाइए और लेट जाएंगे हम. पैरों को मोड़ लीजिए. विल जस्ट डू सम कूल डाउन एक्सरसाइजेस बिफोर वी बिगिन द योग निद्रा प्रोसेस. ओके. एक पैर से दूसरे पैर के ऊपर ऐसे रख के फोर बनाइए. ओके. ये बहुत इजी है. इतना कुछ करने के बाद दिस विल बी वेरी इजी. एंड देन जस्ट हल्का रॉकिंग मूवमेंट लेके आना है ऐसा. एंड देन इसको होल्ड करके रखना है ऐसा. दोनों घुटने को पास खींच के रखना है. फील अ डीप स्ट्रेच इन योर हिप जॉइंट पीछे बैक साइड में. एंड देन जेंटली रिलीज. दूसरे साइड पहले रॉक करिए तीन चार बार, उसके बाद होल्ड करके रखना है. होल्ड. Keep breathing and feel the deep stretch here. जितना इसको pull कर सकते हैं उतना pull करिए. Comfortable pull होना चाहिए, ठीक है? Don't force yourself. And कोई sharp shooting pain, sciatica का pain हो तो नहीं करना है, okay? And gently release. दोनों पैरों को थोड़ा gap रख लीजिए और सांस लेते हुए छोड़ते हुए घुटने को एक side मोड़िए, फिर उठा के दूसरी side मोड़िए. ये हम थोड़ा dynamic movement करेंगे आज. पैरों को हमने बहुत एक्सरसाइज किया, थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं. ठीक है, दोनों पैर को पास में लेके आएंगे एंड देन पूरा फ्लैट कर लेंगे. हाथों को पीछे, दोनों पैरों को एक डायरेक्शन में स्ट्रेच करेंगे, हाथों को ऑपोजिट डायरेक्शन में. ब्रीथ इन एंड से रिलैक्स योर बॉडी. वन मोर टाइम, स्ट्रेच योर बॉडी इन ऑपोजिट डायरेक्शन. एंड रिलीज. एंड शवासन में आ जाइए. सांसों पे ध्यान, अपने पेट की मूवमेंट पे ध्यान बिल्कुल भी. आंखें बंद, पैर बिल्कुल साइड में पड़े हुए, टोज पॉइंटिंग ऑन द साइड. डू नॉट होल्ड योर लेग्स टाइट. लेग्स को, पूरे बॉडी को मैट पे बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और ध्यान वापस सांस पे, टमी की मूवमेंट पे ध्यान दीजिए.
जब तक मैं बोलू नहीं आंखें नहीं खोलनी है और पोजीशन चेंज नहीं करना है। ओके अपने बंद आंखों के सामने अपना लक्ष्य दोहराइए, आप क्यों आए हैं यहाँ पे, क्या अचीव करना चाहते हैं। अपने आप को धन्यवाद कहिए, पिछले एक घंटे से यू आर इन्वेस्टिंग सम टाइम इन योर बॉडी एंड योर माइंड। ये हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थैंक योर सेल्फ फॉर कमिंग हियर एंड थैंक द यूनिवर्स फॉर दिस अपॉर्चुनिटी गिवन टू यू। हम एक छोटा योग निद्रा का सेशन करेंगे। विल स्टार्ट विद द बॉडी स्कैन। टेक अ डीप ब्रेथ इन, एक्सपैंड योर टमी अप एंड अ डीप ब्रेथ आउट। ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर राइट हैंड थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, पाम, रिस्ट, फोर आर्म, राइट एल्बो, अपर आर्म, राइट शोल्डर, राइट साइड ऑफ द चेस्ट, गोइंग डाउन द वेस्ट, राइट हिप, थाई, नी, शिन बोन, एंकल, एंटायर राइट फुट, बिग टो, सेकेंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो, फिफ्थ टो। ऐसा अनुभव करिए कि शरीर का दाहिना हिस्सा, राइट साइड ऑफ योर बॉडी, कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है, मैट पे बिल्कुल शिथिल पड़ गया है। नाउ ब्रिंग योर अवेयरनेस टू योर लेफ्ट हैंड थंब, फर्स्ट फिंगर, सेकेंड फिंगर, थर्ड फिंगर, फोर्थ फिंगर, पाम, रिस्ट, फोर आर्म, लेफ्ट एल्बो, अपर आर्म, लेफ्ट शोल्डर, लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट, गोइंग डाउन द वेस्ट, लेफ्ट हिप, थाई, नी, शिन बोन, एंकल, एंटायर लेफ्ट फुट, बिग टो, सेकेंड टो, थर्ड टो, फोर्थ टो, फिफ्थ टो। नाउ विजुलाइज एंटायर लेफ्ट हाफ ऑफ योर बॉडी, बायां हिस्सा भी कंप्लीटली रिलैक्स हो गया है, मैट पे शिथिल पड़ गया है। वापस ध्यान अपने पेट पे लेके आइए और अपने पेट की मूवमेंट को ऑब्जर्व करिए। जैसे जैसे बॉडी डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन में जाता है, वैसे वैसे पेट की मूवमेंट, उसकी गति सांसों की कम होती जाती है। दैट इज अ साइन दैट योर बॉडी इज गोइंग इनटू अ डीप स्टेट ऑफ रिलैक्सेशन। Focus your attention on your heart center and feel the calmness inside. अपने साथ जुड़ने से ही वो परम शांति प्राप्त होती है। बाहर कहीं नहीं है शांति, अपने अंदर ही है। अपने हृदय में, अपने हार्ट में हमको उस कृष्ण को जगाना है, उस भगवान को प्रकट करना है योग के माध्यम से। Bring your attention on the throat center. और ऐसा सोचिए कि आज से आप जो भी बोलेंगे सोच समझ के बोलेंगे, बिना मतलब की बात नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे किसी को कष्ट होता हो। अपनी बात को प्यार से दूसरे को कन्वे करना है, चाहे कैसा भी सिचुएशन हो। प्यार से बोली ही बात ज्यादा इफेक्टिव रहती है, असरदार रहती है। ब्रिंग योर अटेंशन टू योर राइट चीक, लेफ्ट चीक, राइट आई,
left eye, right nostril, left nostril, forehead, top of the head, back of the head touching the mat, right shoulder blade, left shoulder blade, lower back, right buttock, left buttock, right calf, left calf, right heel, left heel. Visualize all the contact points your body is making with the mat right now. अपने बॉडी के भार को मैट पे अनुभव करिए, एक साथ पूरा शरीर, पीछे का शरीर अनुभव करिए और ऐसा फील करिए कि आपका बॉडी जैसे जैसे रिलैक्स हो रहा है वैसे वैसे भारी और भारी और भारी होता जा रहा है। मैट पे जस्ट लेट गो करना है, बॉडी कंप्लीटली शिथिल छोड़ना है, जैसे एक बच्चा माँ की गोद में अपने आप को छोड़ देता है। धरती माँ हमको हमेशा वो सपोर्ट प्रोवाइड करती है जैसे एक माँ अपने बच्चे को करती है। We just have to come back to our mat to feel that unconditional support. और उसी तरह का unconditional support हमको अपने परिवार वालों को, अपने सगे संबंधियों को, friends and सबको, जिससे भी हम contact में आते हैं उनको देना है। Take a deep breath in and a deep breath out. अपने हाथों की उंगलियों और पैरों को उंगलियों को हिलाइए और पैर को मोड़ते हुए एक साइड करवट पे आ जाइए। आंखें बंद रखिए और सांसों पे ध्यान। अगले 30 सेकेंड साइड करवट पे लेटे रहिए और अपने बिल्कुल बॉडी और माइंड के अंदर जो शांतिपन का अनुभव हो रहा है उसको, उसके साथ जुड़े रहिए। Feel the deep relaxation that your body and mind is feeling right now. And just stay with that feeling for next 30 seconds. धीरे धीरे हाथों के सहारे से सीधा बैठ जाइए, हाथ नमस्कार मुद्रा में फ्रंट में, और हम तीन ओम के साथ फिनिश करेंगे। उसके बाद मैं मंत्र जाप करूंगी अपने समर्पण का, जो हर क्लास के एंड में हम करते हैं एक समर्पण भाव को जागृत करने के लिए। तो सिट स्ट्रेट एवरीबॉडी, टेक अ डीप ब्रेथ इन। बंद रखिए, सांसों से जुड़े रहिए, एक समर्पण का भाव, फीलिंग ऑफ सरेंडर फॉर दिस मोमेंट, फॉर दिस प्रैक्टिस। काय न वाचा मन से इंद्रिय वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभाव करोमि यत् यत् सकलं परस्मै नारायणे